टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है मुमरा के गांव देवी इलाके के पास और आपको बता दें कि गांव देवी जाने वाला जो रास्ता है उसी के ठीक बगल में ही बाहुबली मंदिर पड़ती है और बाहुबली ट्रस्ट की तरफ से जो है उनकी जो ये मंदिर है उसके पीछे मंदिर और रोड के बीच में ही जो है पत्थरों की जो है एक दीवार यहाँ पर बाउंड्री बनाने का जो है काम किया गया था। बहरहाल ये बाउंड्री भी बन चुकी थी लेकिन आज जो है यहाँ पर मनपा के अधिकारी धनंजय गोसावी और सागर सालुंके यहाँ पर पहुँचे और जो है कार्रवाई करके ये दीवार आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि पूरी तरह से ये दीवार जो है तोड़ दी गई है। बताया जा रहा था कि ये दीवार जो है बाहुबली ट्रस्ट की तरफ से बनाया गया था लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र हवाड ने पिछले दिनों जो जानकारी दी थी कि ये जो इलाका है यहाँ पर सरकारी इमारतें बनाई जाएंगी, पुलिस स्टेशन होगा, पोस्ट ऑफिस होगी और भी यहाँ पर जो है सरकारी कामकाज के जो है दफ्तर यहाँ पर खोले जाएंगे, यहाँ पर सरकारी इमारत के निर्माण का काम किया जाएगा। बहरहाल इस पर जो है बताया जा रहा है कि जो बाहुबली ट्रस्ट है उन्होंने ऐतराज़ जताया और जो है कोर्ट में जो है इसका केस जो है किया गया है, इसकी जानकारी जो है दी जा रही है। लेकिन जिस तरह से आज मनपा के अधिकारी जो है यहाँ पर पहुँचे थे और इस जो बाउंड्री वाल पत्थरों की यहाँ पर बनाई गई थी, जो दीवार बनाई गई थी, मनपा के अधिकारियों से जब हमने पूछा कि आखिर कार्रवाई क्यों की गई है तो उन्होंने कहा कि इस दीवार बनाने की जो है परमिशन नहीं ली गई थी जिसके वजह से उन्होंने आज दोपहर के वक्त यहाँ पर JCB लाकर इस दीवार को तोड़ दिया है। कैमरामैन विजय के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।